लखन सिया राम चंद्र की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत संगम दे। जय जय सीता राम के जय श्री तुलसीदास। सारे जग में फैल गया श्री रामचरित प्रकाश। गौरी लखन श्री राम चंद्र की जय। अयोध्या स्वरूप सांकरा के राम दरबार में अनंत नाम अनंत रूप लेकर के राम कथा रस पान करत बैठे जम्मो रसिक मल्ला सौर संदेश मानस परिवार ग्राम खैर झिटी के ओर से हृदय से नमन है। बड़े बड़े ज्ञान के व्यापार करैया व्यापारी मल्ला, राम नाम हीरा मोती के मोल करैया सब नर नारी मल्ला, ज्ञान भक्ति वैराग्य के कुबेर मल्ला और मानस जंगल में स्वतंत्र घुमैया शेर मल्ला, राम जी के माधुर्य मूर्ति ला देख के नचैया मोर मनला और हरि दर्शन के दिव्य आनंद लेवैया सबो चकोर मल्ला, सोर संदेश मानस परिवार के ओर से सादर वंदन। सजनों आज ईश्वर की कृपा होइस और आप सबो संत महन के दर्शन पाए के सौभाग्य प्राप्त होइस। वास्तव में बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दुनिया में हर चीज ला प्राप्त करना सरल है पर सत्संग प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात है। आयु तभे संभव होते जब ईश्वर के कृपा होते भगवान के दया होते। तो आज संत समागम करे के सुअवसर प्राप्त हो गए। सजनों जहां तक राम कथा के सवाल है तो आप सब रामचरितमानस के गहराई में पहुंचे हुए परम संत है, ज्ञानी विद्वान है। फिर भी मोर जिसे बोध बालक के मुंह से आप सुनना चाहत है वास्तव में आप मन के महानता मोर सौभाग्य। पर एक बात आप लोग बता देता हूँ कि आप सब आकाश के फूल हो, मैं तो तुम्हार चरण के धूल हो। तुम मन दीन मानो तो मैं अंधियारी रातिया हूँ, तुम मन सूरज चंदा हो तो मैं नान्हे दिया बातिया हूँ। अब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के सामने एक दिया के का औकात कि अपन प्रकाश बिखेर सके। काबर अक्षर का ज्ञान मिला गाँव के स्कूल से, गीत गाना भौरे से और मुस्कुराना फूल से, लिखने की कला मुझे मिला कवि कुल से और बाकी जो भी मेरे पास है वो आपके चरणों की धूल से, आपके चरणों की धूल से। आओ माँ शारदा के आवाहन के साथ लंका कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करबो, जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दशीस, अंध बधिर न असकही नयन कान तो बीस। ये प्रसंग में अंगद जी महाराज और रावण ये दोनों के बीच चले हुए वार्ताला गोस्वामी जी महाराज लिखे हवे जिमा चर्चा करना है माँ शारदा के भजन के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आया तू अर्ध देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद समाता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ज्ञान दे के मैया सर दे, ज्ञान दे के मैया सर दे, सोर दया खाके मैं राम दीन जा। ज्ञान दे के मैया सर दे, ज्ञान दे के मैया
रे मैया सार जे। धारा मटते हैं नैया बीच मज धारा मटते हैं नैया और बिना नैया कौन पार मर लगया और बिना नैया कौन पार मर लगया बीच मज धारा 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 कटते हैं नैया और बिना नैया तुम पार लगया और बिना नैया तुम पार लगया और दया के माँ पतवार दे और दया के माँ पतवार दे और कृपा पाके मैं राम गुण ज्ञान दे ते मैया सार दे ज्ञान दे ते मैया सार दे। पैया करा हाथ जोड़ दाई तोड़ बिनती करा जय गोविंद मैया तोड़ पैया करा हाथ जोड़ दाई तोड़ बिनती करा और द्वार माँ पुकार वंदन करा और द्वार माँ पुकार वंदन करा श्रद्धा के फूल तला अर्पण करा मैया तोर पैया कर हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करा जय गोविंद मैया तोर पैया कर हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करा हमे मैया जय जग हमे मैया हमे मैया जय जग हमे मैया बिना बली मैया सेवा सियावर रामचंद्र की जय। सजनों रामचरितमानस के छठवां सोपान लंका कांड बाल कांड एक अयोध्या कांड दो अरण्य कांड तीन किष्किंधा कांड चार सुंदर कांड पांच लंका कांड छह तहन सब डहल गए दो ले चार और चार ले छह तहन सब डहल गए। पहली हमन एक में रहन भगवान में भगवान लग केहन दू कर दे महाराज तब दे दुनिया में जन्म दे दी दू ठन गोड़ दे दी सोच बाय रेंग के दू ठन गोड़ ल पैसा आदमी तहन हंस के रेंगे रेंगे सऊहा झौहा डबरा डिपरा कांटा खूंटी घाट और घट कहीं चिन्हारी नहीं करी अवतकम भगवान लव के थे दू औ कर देते का मालिक तब दे दू औ मिल गए बर बिहार हो गए चार हो गए अब तो दू में तो एको कनी सोच बारेंगत रहे चार हो गए तब ज्यादा छदर बदर परेल धर ली तब भल मन निमाढ़ी तो दू औ कर दे भगवान तो लोग लेकर हो गए जी दू ले चार हो चार ले छह तहन सब डाल गए मेकरा के जाल मेकरा के हो गए काल उसने ये दुनिया के लोगन मन के है हाल नेकरा के छह ठन गोड़ रथे दूसर कीड़ा मकोरल फंसोहू की के फांदा बनाए रथे जाल बनाए रथे अब अपने बनाए हुए जाल में अपने अरहज के मर जाते। सजनों विचार के देखो हम माया के जाल ही तो बनाए हन अपन बर घर बनाए मकान बनाए स्त्री बनाए संतान बनाए और कुल मिला के अपन मौत के समान बनाए नकली दुनिया असली खेल बनाए अपन पर नरक के जेल बनाए औ का बनाए कुछ तो नहीं बनाए जेला बनाना चाहिए तेल हम बनाए चिनियन जिंदगी माँ। सजनों वैसने लंकाधीश रावण लंका लबड़ सुंदर बना है दुनिया में जब का सुंदरता है सबला लाला के लंका में इकट्ठा करे है
हाओ लंका से सुंदर और कोनो देश नहीं है। देखो कुबेर कर जाते ओकर कर धन ल नंगा के ले आंथे, पुष्पक विमान ले आंथे। इंद्र कर जाते वहां ले अप्सरा मन ल नंगा के ले आंथे। यक्ष नाग किन्नर गंधर्व के 18,000 कन्या मन ल छीन छीन के ले आने हैं, तेकर बावजूद माता सीता के और चोरी कर ले है। रावण के जीवन की यही दुर्बलता है, ओकर अंदर में मोह कुट कुट के भरे हुए है। वो अपन घर ल सजाए पर दूसर के घर ल उजाड़े में कोई दुख अनुभव नहीं करे। जेकर अंदर कठोर हो गए, पथरा हो गए, चोरी करके छल पूर्वक बल पूर्वक दूसर के ल छीनना और ला के अपन घर ल सजाना, यही रावण के आदत हो गई। यही कारण देखो भगवान राम शांति दूध बना करके अंगद ल भेजे है। जा रे भैया और समझा, दूसर के नहीं मानत नहीं माने तोर बात ल कोनो मान ही था काबर तय ऊपर मितनहा बेटा रावण तोर फूल द दे बाली औ रावण मितान है ना तय बालिक बेटा वो तोर फूल द दे हो सकते कोनो तोर बात ल मान जहिता जा तो की। यदि अंगद ल भेजे है जैसे अंगद है तो रावण के दरबार में आईस। रावण खलखला के हाँसीस और हाँस के कथे अरे मूरख बंदर क्यों आए अंदर, हमें तो बता क्या है नाम तेरा क्या है पता। अंगद जी महाराज कथे राम का दूत हूँ मैं, बाली का पूत हूँ मैं, राम ने तुम्हें समझाने को कहा। अरे मान जा कहना मान जा, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि के तुम हो नाती। ब्रह्मा शिव को तूने पूजा है बहुत भांति, अपने तप से तूने वरदान लिया है, पूरे पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है। परम पिता से तू मांग ले क्षमा, मान जा कहना मान जा। उत्कल सुनी तो रावण भड़क गए का कथे, अरे अंगद तू ही बाली का बेटा है, याद आया उस बंदर को मैंने भेटा है, अपने कुल को जलाने के लिए अग्नि बनकर जन्म लिए, गर्भ में क्यों न मरा व्यर्थ है शरीर पाया, अपनी जुबा से उस तपस्वी का दूत कहलाया। अपने पिता का तू कुशल तो बता, क्या है नाम तेरा क्या है पता। अंगद जी महाराज कथे रावण मैं मोर पिता के का कुशलता बताऊं, ज्यादा दिन नहीं बाँचे 10 दिन बाँचे है, 10 दिन के अंदर जिहे मोर पिता गए है ना तीहे तहूँ पहुँच जाबे। अब वो तो तोर मितान बने पोटार लेबे, अब 200 ठन आँखी ले आंसू बोहा लेबे, अब उहिल पूछबे राम से बैर करे के परिणाम का भुगतना पड़ते। और नहीं तो अभी भी वक्त है मान जा, सीता जी ल वापस कर दे भगवान तो ल क्षमा कर दी। रावण कथे हत्र कुल घालक, ते खुद अपन कुल ल घाला था अब मोला तो यहाँ शिक्षा देवा थस। अंगद जी महाराज कथे ले ठीक है का हुई हम कुल घाला कंते तो तीही कौन से मार अपन कुल के पालक अस कुल के पालन करत। मोला तय कुल घाला कहा था से रावण अंधरा भैरा रही तनो मन के इसना बात लनी कहा ते तो 20 ठन आँखी और 20 ठन कान हो के ईसन बोला थस। अंध बधिर नास कहीं नयन कान तो 20 तो राखी नहीं दिखते कौन कुल घालक होते और कौन कुल पालक होते। तेन कुल घालक कौन है, जैन औलाद है तन गलत दिशा में भटक जाए, माँ बाप के नाम ल डूबो दे, कुल ल बदनाम कर दे, वाला कुल घालक कहे जाते। वास्तव में ऐसा मूर्ख औलाद काकरो घर झन हो माँ बाप के नाम ल डूबाने वाला हाओ ओकर सती तो 2-4 ठन सूरा पोस ले वही ठीक है। कम से कम वो सुअर है गांव के गंदगी लत साफ कर ही मैला कुचल लत दूर कर ही। अब मूर्ख औलाद तो कुल में गंदगी फैलाने वाला होते, धुंधकारी जैसे विनाशकारी होते। मूर्ख औलाद कौन है, माँ नहीं मातु पित देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जान हूं निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता ला नहीं माने, साधु संत ला नहीं माने और ऋषि मुनि ब्राह्मण के सेवा करे के बजाय ओकर से सेवा करवाते, वही ला निशाचर कहे जाते मूर्ख कहे जाते। अब आजकल घलो अधिकांश हमार भैया मन के यही भाव रही थे कि हम दो हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो, इसने नारा लगा थे आजकल, हम दो हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो, पति पत्नी खेलो होली, माँ बाप को मारो गोली। छोड़ो ना ये बुढ़ा हाड़ में का रखे है 4 दिन के संगवारी का। वाह जी होशियार, यही बात लो 25 साल बाद तोर औलाद है बोली तब तोला कैसे लागी।
ओकरो जब बिहा हो जही ओकरो लोग लैका हो जैता नु कही हम दो हमारे दो माँ बाप को छोड़ दो तब तोला कतकापन लागी। ऐसन मत का भैया, माँ बाप से अलग हो करके माँ बाप के अपमान करके संसार में कोई महान नहीं बन सके। बोलना है तो ऐसे बोल, हम दो हमारे चार, ये है मेरा सुंदर परिवार, आपस में हम करते हैं प्यार। तो जेन माँ बाप तो जन्म दे है ओकर से ते कभी बड़े नहीं बन सकस। भूल करके भी ओकर अपमान मत कर, तिरस्कार मत कर। और जेन अपमान तिरस्कार करते रहे वही लोग निशाचर कहे जाते। अब भला बताओ ये काम लग करने वाला अंगद है कि रावण है? रावण है, लेकिन का करवे वो हाँ अपन गलती लो दूसर में देखा थे। हाँ, कुछ आदमी मन के इसने नजर होते ना, अपन में गलती नहीं दिखे, बोले दूसरे च में गलती दिखाई देते। अपन में अच्छाई देखते, दूसर में बुराई देखते, माने अपन दोष लो वो दूसरे में देखते। द्वारका में एक बार एक ठन कुकुर है, इसने रेंगत जात रहा है। कुकुर है ना, अब वो ऐसे कुकुर रहे तो एकदम रेगड़ा हो गया रहा है, ओकर शरीर सूख गए रहा है, डोकरा हो गया रहा है, शरीर में जगह जगह घाव गोदर हो गया रहा है, माछी मन झूमत रहा है, घिन घिन अकनली दिखत रहा है, और शरीर के ओकर जम्मो बाल मन झर गए रहा है, चिकना गए रहा है, निश्चत रेगड़ा रहा है। वो होते ना एक आठन कुकुर उसने हो जाते जिन अब्बड़ अकन खादल खा दे रहे, चाह के बड़कन खादल खा दे रहे, तेलैल चाट दे रहे, दिया उल चाट दे रहे ना, तेकर शरीर के पुदगह झर जाते। अब दूसर कुकुर मन तहन उल हबक दे रहे, जगह जगह घाव गुदर हो जा रहे। तब वो रेगड़ा सन कुकुर है मनखे मल देखे तहन उपरे डहर हो जाए, तो सब बोले लाठी मारे ढेला मारे, माई लोग इन मन डहर जाए तहन छी वो रोग है डहरा थे, छी वो घिन घिन ही डहरा थे। ऊ मन गारी गल्ला दे कलकारहा दिखत रेगड़ा हम तीरे तीर में आते गए। अब भगवान कृष्ण देखी तहन ताली बजा के हाँसे लगी, वाह वाह कतेक जोरदार, कतेक सुंदर, कतेक बढ़िया है। माई लोग इन मन कथे एक काला देख डरी सो है निचट घिन घिना दिखा थे रेगड़ा सुखड़ा धकर धकर करा थे, वे वाह जोरदार वाह जोरदार कथे। भगवान कन्हैया कथे अरे एक आंखी ल देख कतेक हीरा बरोबर चमकत एकदम जोरदार, कतेक मस्त दिखत है कर आंखी है। सजनो देखे देखे एक नजरिया तो आए, कोनो आदमी ला दूसर में अवगुण ही अवगुण दिखाई देते और कोनो ला गुण दिखाई देते। अरे दोष देखने वाले तो चंद्रमा में भी दाग देख लेते, पर गुण देखने वाले तो संसार के हर प्राणी पदार्थ में गुण ही देखते। रावण के नजरिया ही है अवगुण देखे के, तेकर कारण अंगद जी महाराज लग कुल घालक कहा थे, जबकि कुल के घालने वाला ऋषि कुल के नाम में धब्बा लगाने वाला स्वयं हावे। भैया बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि भजन बिना मज धारम नहीं आयत के, 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 हरि भजन बिना मज धारम नहीं आयत के, अब हरि भजन बिना मज धारम नहीं आयत के। बालकपन मा खेल जवानी प्रियपुर मा लटके, बालकपन मा खेल जवानी प्रियपुर मा लटके, आज बुढ़ापा तोर गभैया, आज बुढ़ापा तोर गभैया, गिरबे तैहा झपट के, हरि भजन बिना मज धारम नहीं आयत के, हरि भजन बिना मज धारम नहीं आयत के। Thank you.
हाथ नहीं जाने पास मरेंगे दस दया धर्म लाथ नहीं जाने पास मरेंगे दस के आही बुलावा यम राजा के आही बुलावा यम राजा के मुझे भटके हरी भजन बिना मज धारा मुनैया अटके हरे हरी भजन बिना मज धारा मुनैया अटके पगला एक दिन जगमा मरना ओला परहीर बहन एक दिन जगमा मरना करना 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 तैह करना जब भैया हरि के भजन ला करना तैह कर ले दीवाना हरि के भजन ला करना तैह कर ले जब भैया हरि के भजन ला करना तैह करना रे संग हरि के भजन ला करना तैह करना रे भैया हरि के भजन ला करना सियावर रामचंद्र की जय शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई अंगद जी महाराज कथये दसानन ब्रह्मा विष्णु महेश जेकर चरण के सेवा करना चाहते ऐसन स्वामी के मैं दास हूँ श्री राम जी के मैं दास हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी जेकर चाकर है जेकर नौकर है ऐसन जगत नियंता जगदाधार के मैं सेवक हूँ और ऐसन स्वामी के सेवक होकर के मैं कुल के घालक हो गए है ना तासुदु तो हो हम कुल घालक और वास्तव में सुनित अंगद जी महाराज है तौन कथे कि ऐसे वचन बोला तोर छाती टूट का बरनी जात ऐसे मति उर बिहर न तोरा सचमुच में तोर मति मारे गए है रावण तोर बुद्धि है तौन खराब हो गए सही बात है पागल हो गए रावण पागल कुछ भी बोलते कुछ भी करे बर कह देते हो वसने हनुमान जी महाराज की तबहत कह दिसगा या ये बेंद्रमूल भारी ज्ञान देवत है एक काम करो तुझी राक्षस हो एकर पूछी तेल में बोरो चेंद्री फरियल लपेटो तह नागी धरा पूछो पूछी पंबर बर ही तहने कते ज्ञान देवत है पता चल ही कथे राक्षस मन जान डर इस रावण सहीम पागल हो गए यार उल्टा पुलटा बोलते है देखो न का कि कपि के ममता पूंछ पर सभी कहो समझाई तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई पहली पूछिल तेल में बोराव कहा थे तेकर बाद चंद्री फरियल लपेटो तब आगे धराव कथे उसने मागी धर ही का अरे भाई पहली चंद्री फरियल लपेटेल कथी तेकर बाद तेल में बोरेल कथी तरावन उसने कहा थे पहले कर पूछिल तेल में बोरा तब चंद्री फरियल लपेटो कर राक्षस मन कथे कर दिमाग खराब हो गए पागल हो गए उल्टा पुल्टा यह बोला थे तुम मन हाँ सोच करो पहली चेंद्री फरी अल्लाह पेटो की आ तेल में बोरेल कहा थे तो हमार मन के का ही जाही घीम बोरा की रहा न नगर बसन घृत तेला सचमुच में आदमी के मति मारे जाते तो उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दे वही पगला कह जाते बइया कह जाते एक जन बइया के गोट सुरता आगे मोला वो बइया है एक गांव पहुंच गए घर रात किन घूमत घामत चंदा अंजोरी रात है 12 बज गए रहा है गांव के बीच में एक ठन कुआं रहा है कुआं पार में बैठ गए पगला है अब पगला बइहल जान था तो का कर ही का धर ही समझे नहीं आए यति वति देखत देखत कुआं डहल झांक के देख डरी आ कुआं ल झांक के देखी तहन गांव वाले मन पर भड़क गए एक देखा था से गांव वाले मन ल कैसे सब के सब पागल है बिचारा चंदा है कब के कुआं में गिरे है ये गांव वाला मन के आंखें नहीं दिखी सो ये लहर नहीं देते मने चंदक छैया उहे दिखत रहे पानी भीतर में
हवा चलत रहे थोक थोक हालत रहे तो वो का समझे बिचारा कब के गिरे हन कब जाड़ में कांपत है। ये गांव वाले मन सब पागल है कोनो एल निकाल नहीं देती, चल में ही निकाल देता हूँ कि कहाँ कांटा डोर ले आनी और वो कांटा डोरी में बांध के कुआं में डार दी चंदल हेरू कहते। अब कुआं में डारी सब डार के तीरा थे एक आध कनिया रह गई सो ही कांटा है पत्थरम बंधा रहा है कुआं अर्जित तहन कथे हाँ धरली तैसे लागते और बाद तीरी तीरित कांटा सुर्रा गएगा छोड़ दी तैसे लागते अब बने धरन दे फिर डारी कांटा ला वो घेरी बेरी कुआं में डारे कांटा ला वो तीर ही बूता करे। एक बार अच्छा धरन दे की कब्बड़ बेरल कुआं में घूम इस कांटा ला और सिरतोन में कांटा है धरी बड़ने अरहज गए दू ठन पथरा रहा है ओकरे बीच में वो कांटा जाके फंस गए। अब तीरी थक अंधी लगत नहीं तीर समझ गए ये दरी जम के पकड़े तैसे लागते थकनो बल लगे तब हो नी तीर कस के अरहज गिरा है वह अच्छा तीर लागी के जोरदार झटका देख खींचिस आ जोर से झटका देख खींचिस ना तो कांटा सोझिया गेगा और सोझियई तहन सट ले तीर आ गए और झेरी ते कर ले आ तीरई तहन अपन चेथिक भार दनाक ले गिर गए आ चेथिक भार दनाक ले गिरी तहन अब बादा डहल नहीं देख डरिस गा ऊपर डहल ओतिल देखी तहन का कथे मेहनत लगी ते लगिस लेकिन फेंकइस गे हाँ भले मेहनत लगिस फिर फेंकइस। तो वास्तव में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिम तैसी जेकर मन में जो भाव रही थे सामने वाला वैसने दिखाई देते। जैसे आदमी के दृष्टि होते सजनों वैसने सृष्टि होते, अगर आदमी के दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि की सुधरत देरी नहीं है। अब भाई ये तो सही बात है जी, करियक चश्मा लगावे तो सबो करियज करिया दिखी, एकर मतलब पूरा दुनिया थोड़े करिया है तो चश्मा करिया है। सादक पहिरबे सब सादा सादा दिखी, लाल के पहिरबे पूरा लालच लाल दिखी। वैसने आज रावण के आंख में पर्दा पड़ गए है, सच्चाई दिखाई नहीं देवते, उल्टा पुल्टा बोला थे वह अंगद जी महाराज होकर सेती कही थे ऐसी हुम्मती उर बिहर न तोरा है ना। और अंगद जी महाराज के बात रह सुन के सुनी कठोर बानी कपिकेरी कहत दसानम नयन तरेरी। अंगद जी के कठोर वचन ल सुन करके रावण है तो अखिल तरेर करके बोला थे और का कहा थे कि अरे खल मैं तोर कठिन वचन लेकर सती सहा था कि मैं नीति धर्म ल जाना था कि मैं नीति धर्म के जानकार हूं तेकर सती सहा था। अंगद जी महाराज कहते हाँ भारी नीति धर्म वाला ते हैं, दूसर के पत्नी ल छीनना यही तोर धर्म है, दूसर के धन ल लूटना यही तोर नीति है, दूसर घर आगी लगाना यही तोर धर्म है। ऐसने कर्म करे है रावण है जिंदगी भर वोत्कम कहा था मैं नीति धर्म ल जानता क्योंकि। अब भला बता सजनों वास्तव में रावण के जीवन में अतिक्रमण है, आदमी ल अपन हक में रहना चाहिए, दूसर के हक ल नहीं छीनना चाहिए नहीं नंगाना चाहिए है ना, ये बहुत बड़े अधर्म है। सब ल अपन अपन हक में रहना चाहिए तो रावण के जीवन में अतिक्रमण है, दूसर के हक ल घलो नंगाए छीने का आदत बना डाले। अरे भाई मान ले दे सामने वाला घर है बुधारू का है तो घर में रहे का अधिकार कौन ल है, बुधारू ले जी घर है ओकरे और वो घर के घर में एक ठन कुरिया है, वो कुरिया में एक ठन पलंग है, वो पलंग में सोए का अधिकार कौन ल है, बुधारू ले घर है ओकरे कुरिया ओकरे पलंग है ओकरे बुधारुल सोए का अधिकार है। लेकिन ये बताऊ वहां ढेकना का अधिकार है, वो काबर अधिकार जमा ले रहे ले कोई बात नहीं, अब अधिकार जमाई डर है तो हम पलंग में सूते हन तो अपन खुरा के सन सन में रहे रहा है चिपहा चिपहा में तहन ओकर से हम लोग कोई टेंशन नहीं है। तो वो चंडाल के कहा मन मारते गा जैसने हम नींद पाते तैसने निकलते और हमिल कटकटा चाप थे, एक तो हमरे पलंग में हमरे खटिया में अधिकार जमाना वो हमिल चापना ये ओकर रेंधई आयत न हो, बोचकत ले बोचकत रहते जे दिन सपड़ा थे ते दिन तो फिर रगड़ा जाते। वैसने ये रावण देखो भगवान के प्रिय पत्नी के हरण कर ले है और राम के साथ ही विरोध कर ले है ना, तेकर सती अंगद जी महाराज है तन कथे हतरे चंडाल यही तोर नीति धर्म है,
पराय धनला छिन्ना अबला के ओर दृष्टिपात करना, साधु संतला सताना, दीन दुखीला सताना, ककरो घर में आग लगाना, ककरो खून ला निचोड़ना, ये कौन सा शास्त्र में लिखा है, ये धर्म है, ये नीति है कही के? ललकारी संगत जी महाराज है। वास्तव में अंगद जी के बुद्धिमता के सामने रावण के चाल नहीं चलते, रावण के दाल नहीं गलते। सजना होकर क्षति कहे गए है कि अकड़ मत, अकड़ने वाला एक दिन गिरी जथे, सर के बल गिरते। उल कही थे घलो ए मानव तय नाव के चल मत रेंग रे अकड़ के, अभी मान तय मत कर कत को हावे तोर ले बढ़ के, नौ थे ते कर बन थे व अकड़ते थे हटिया थे, मैं कहिया रावण के सिर बोकर सही पूजा थे। दूसर बार आंखी तरे रे गुस्सा में फूलोए छाती, मरे बेर काम नहीं आए बहु बेटा उनाती, जान बुझ के पाँव मढ़ाए आगी अंगराव कांटा में, तोर करनी तिही भुगत बे मिले हवे तोर बांटा में, ले जाही सिपाही तोला हथकड़ी जकड़ के, अभी मान तय मत कर कत को हावे तोर ले बढ़ के। तो वास्तव में सत्ता पा के फूल मत, काबर ये सत्ता सिंहासन सदा रहने वाला नहीं है। दुख सुख हानि लाभ जीवन मृत्यु गरीबी अमीरी सबके साथ घटने वाला घटना है। राजा हरिचंद जैसे लतो कष्ट उठाना पड़ गए, इसे भी दधीची मल्ला कष्ट उठाना पड़ गए, बड़े बड़े राजा महाराजा के आज नाम निशान मिट गए। तो अहंकार करके थे का करवे भैया, ओल कही थे घला सब दिन होए न एक समान, नहीं तो होवे रे भैया सब दिन एक समान, नहीं तो होवे रे भैया सब दिन एक समान, सब दिन एक समाना रे समाना, सब दिन एक समाना रे समाना, नहीं तो होवेगा भैया सब दिन एक समाना, नहीं तो होवेगा राजा सब दिन एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद घर संपत्ति मेरु समाना जी, एक दिन राजा हरिचंद घर संपत्ति मेरु समाना जी, एक दिन राजा नारी पुत्र संग घर घर खोजे दाना, घर घर खोजे दाना जी, नहीं तो होवेगा भैया सब दिन एक समाना, नहीं तो होवेगा राजा सब दिन एक समाना। सीता रामचंद संग घूमे पुष्प विमाना जी, एक दिन सीता रामचंद संग घूमे पुष्प विमाना जी, एक दिन बन मगरन होते पराधीन भई जाना, पराधीन भई जाना जी, मैं तो होवेगा भैया सब दिन एक समाना, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी, एक दिन मर के माटी में मिल गए मिट गए नाम निशाना, मिट गए नाम निशाना,
होवे तो होवे का भैया सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना रे समाना रे समाना, सब दिन एक समाना रे समाना, नहीं तो होवेगा भैया सब दिन एक समाना, नहीं तो होवेगा राजा सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना, सब दिन एक समाना। सियावर राम चंद्र के जय कह कपि धर्मशीलता तारी हम समीकृत पर त्रियचारी जय राम देखि नयन दूत रखवारी भूरि नमर धर्म व्रत धारी जय राम कानना के बिन भगवन निहारी क्षमा किन तुम धर्म विचारी जय राम धर्मशीलता तव जग जागे पावा दरस हम बड़ भागी जय राम सियावर राम चंद्र की जय। अंगद जी महाराज कहते कि रावण हाँ मैं तोर धर्मशीलता ल सुने घलो रहे आवाज आँखी में देख घलो डरे देख ही नयन दूत रखवारी बोड़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अरे रावण तय अपन आँखी में देखे स्काला राम के दूत के करनीला जिन तोर लंकल जला के राख कर दिस और तय देखते रहे बढ़िया धर्म व्रत धारी है तय की मोर स्वामी राम के छोटे भाई लक्ष्मण है तोर बहिनी के नाक ल काट दिस है ना तब बोलते हैं बढ़िया देखते रही गेस यही तोर धर्म व्रत है ना तोला लाज नहीं लागे रावण ऐसा बात ल कहत अगर तोर में वीरता रही से ताकत रही से साहस रही से तो फिर बदला नहीं ले लेते जेन धनुष ला कोनो नहीं टोरी सो धनुष ला तहु टोरे बर गए रहे वो धनुष ला तोड़ के सीता जी ला हासिल नहीं कर लेते चोर नहीं तो कायर नहीं तो अब वो भी सुनना कुटिया में सीता के चोरी करे हस राम के सामने भला ये काम ल करते का यही तोर धर्म शीलता है। सिंधु तरे उनके बंदरा तुम ते लघु रेख गई न तरी बानर बांधत सोन बंधो न बारिधि बांध के बाट करी तू लहू ते लहू पुंछ जरी न जरी जरी लंक जराए जरी श्री रघुवीर प्रताप तुम्हें दस कंधर काहे न जान परी। अंगद जी महाराज कथे कि अरे कायर ते राम के बराबरी करियो कही थस भला तौल के देख तोर में और राम में कत का अंतर है। सिंधु तरे उनके बंदरा ओकर नान नान बेंद्रा मन देख एक बार सागर ल कूद के अब पार आ गए अते हैं लक्ष्मण रेखल नी पार कर सके लक्ष्मण सोझे डांड खींचे रही तेल नी नहाक सके अब वो कर बेंद्रा मन ल देख अतेक बड़ सागर ल पार करके अब पार आ गए तुम ते लघु रेख गई न तरी बानर बांध सोन बंधो एक ठप बेंद्राल बांधो तरह के हेसना तो लंका भर के राक्षस मिल के नहीं बांधे सकिन ओकर नान नान बेंद्रा मन अतेक बड़ सागर में सेतु बांध दिन एक ठप बेंद्रक पूछिल जरवा तो ऐसे कहे ना तो वो बेंद्रक पूछी नी जरीस अब बिना जलाए जलाए तो लंका जल के राख हो गए तो अभी भी राम के प्रताप समझ में नहीं आवते का राम के प्रभाव तो अभी भी समझ में नहीं आवते जनि जल पसि जड़ जंतु कपि सट विलोक मम बाहु अलोक पाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु रावण कथे अरे जड़ जंतु देख ले ओकर शब्द ला। अंगद जी महाराज ला जड़ जंतु कहा थे जंतु माने कीड़ा मकोड़ा समझते है ना जड़ कहा थे जड़ लेकिन ये बात ला भूल गए है रावण हाँ कि वो काकर जड़े वो हाँ तो राम जी के जड़े और भगवान राम का है जो चेतन कहा जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन्य जड़ ला चेतन कर देने वाला ईश्वर है और चेतन ला जड़ कर देने वाला ईश्वर राम जी है। ऐसा सर्व समर्थ स्वामी के सेवा के तेला अंगत कथे अरे जड़ जंतु अरे कीड़ा मकोड़ा अरे बेंद्रा की ज्यादा ते बग बग झन कर देख मोर भूजल देख है ना लोकपाल बल विपुल शशि जत का भी लोकपाल है वो सब लोकपाल
मन है तन मोर भुजा के बल ल देख करके सर झुका लेते, थर थरा जते, कांप जते, जैसे चंद्रमा ल राहु है तन ग्रस लेते ना, राहु है तन चंद्रमा ल निगल जते, वैसे लोकपाल मन के बल ल मोर भुजा रूपी चंद्रमा है तन निगल जते, ग्रस लेते। तो सजनो देखो बोला, सही में राहु है चंद्रमा लील थे, निगल थे, लेकिन लीले नहीं सके, ओकर तो मुड़ीज भर है ना, लीले बल लील थे, यति तो पोंडा है, यति निकल जाते। राहु और केतु दूठन हो गए ना, वह हो इसका समुद्र मंथन नहीं हो इसका, समुद्र मंथन हो तो समुद्र ले बड़ रत्न निकलिस, और विशेष कारण रही से अमृत निकाले के, अमृत निकल ही तेल पीबो के गे। तब भगवान जानडरी से राक्षस मन अमृत ल पीही तहनऊ अतलंग कर ही, काबर अमृत नहीं पाए तेमा तो अतेक अति करत है, अमृत ल पी डरही तहन हमर मरैयत कोनो चनी कही के उद्दंड करही, तेकर ले नहीं अमृत मल्ल नहीं मिलना चाहिए, ऐसे कही के विश्व मोहनी के रूप धरिस भगवान है। अविश्व मोहनी के रूप धर के देवता मल्ल एक लाइन में बैठा रही, सब राक्षस मल्ल एक लाइन में बैठा रही, चलो मैं अमृत बांटा था तुमन लाइन से बैठो सब ल मैं परोसी हाँ के। बड़ा सुंदर रूप रहे वो कर, और नाचत रहे कमर झुका करके चलत रहे, अतेक सुंदर रूप ल देख करके सब राक्षस मन घला मुग्ध हो गए, और कहे लगी इसकी हे सुंदरी ते जैसने की वे हम अनुसने करे बर तैयार हूँ। हाँ तो फिर लाइन में बैठो, ए दे सब लाइन वार बैठ गए, अब वो विश्व मोहनी है तन यानी भगवाने, भगवान डबल रूप बनाए रहे, यहू डहर हाथ गोड़ मुँह और पाछू डहर घलो हाथ गोड़ मुँह, अब बीचो बीच नाचत नाचत जात है, एक डहर अमृत ल धरे है देवता मन डहर, अब एक डहर मंद ल धरे है, त राक्षस मन ल मंद ल पिया जाए दे ही अमृत दे, अब पिए तहन नशा चढ़े तहन का कहबे ओकर झुमई ल है ना। अब आप मन तो परिचित हो ओकर का दशा रहते थे सबो जानत हो, तीन ठन गुण तो ओकर में ही जते, पहली तो शेर के शेर बरोबर दहाड़ी, आ दूसरा में कुकुर के कोनो सुने झन सुने मन माने भूकत है अपन, और तीसरा में सुअर के जी कर पैती ही कर उंडे ज्यादा नशा हो गए, तो शेर कुत्ता और सुअर ये तीन गुण तो ही जते कर में। तब भगवान उसने चालाकी करी से ती राक्षस मन ला सब ला मदिरल पियात रहा है, अब ये ती देवता मन ला अमृत ला देवत रहा है, तेला देख डरिस कौन राहु हा, अरे ये तो बड़ा छल हुआ थे गड़बड़ हुआ थे, देवता मन ला अमृत और राक्षस मन ला सोझे ठगा थे, अब मोला मोला तो अमृत पीना है, तो मैं देवता मन के लाइन में बैठा कह कि ये राहु विचार करीस, ओकर बाद सोचिस कि कति कर बैठा सबले आगुम बैठू तहन चिन्ह झन डरे तो राक्षस कही के, और एकदम पाछू में बैठा था तो मोर आवत ले पूरी धन्य पूरी अमृत है, सब ल बटत मटत आ जही और मोर बल सिराज ही तब हो गड़बड़ है, तो नहीं बीच में बैठा कि के देवता मन के बीच में बैठ गए, एक जगह सूर्य रहा एक जगह चंद्रमा रहे बीच में, अब ओकरे बीच में ये बैठ गए, काबर सूर्य और चंद्रमा अंजोर है और ये राहु अंधियार है ना, राक्षस मने निशाचर मने अंधियार, निशाचर निशा मने अंधियार, तो ये दोनों सूर्य के दोनों प्रकाश के बीच में मैं बैठे रही हाँ, तो मोट डहर बराबर नजर नहीं जाही, सर लग हम दे दी अमृत ल महू पाजहू की, और सीर्तन में भगवान अमृत बांटत बांटत जात है, और जात जात सूर्य देव कर पहुंच गए, सूर्य देव ल घलो दिस, ओकर बाद वो देव बीच में बैठे रिस राहु तनोल दिस, और ओकर बाद चंद्रमल घलो दिस, और फिर बढ़त जात है, और सब देवता मन पा है अमृत ल धरे है हाथ में, काबर पाछू वाला मन बर खंगे झन खंग जही थोक थोक हमर में केल देबो, अभी झन पियोर भैया सब लोग बराबर वाटन दे तब पीह, ऐसे कही। अब ये राहु है पै तहन सट ले पी दिस गा, पी दी तहन चंद्रमा देख डरिस, या ये तो देवता नो है राक्षस रे, विश्व मोहनी लगते भगवान लगते तो गड़बड़ हो गए, आनेल देव आ गए है राक्षस ल देव आ गए है, ये राक्षस है देवता के लाइन में बैठ गए, भाई तो गए भगवान के चक्र छूट गए और चक्र में राहु के गला कटा आ गए, अब पी तो डरे रही समृत लना, यति मुड़ी घलो अमर हो गया, यति धड़ घलो अमर हो गया,
उही दिन ले ये राहु हा चंद्रमा बर और सूर्य बर दुश्मनी करते। अमृत ल पिए यही चंडाल मन बता दिन ऐकर सेती मोर घेच कटा गे थे। तो ओकरे सेती ना वो दिन ले बैर के कारण सूर्य ल और चंद्रमा लील थे राहु हा और लीले बर लील थे लेकिन घेच हत कटा जते मुंह डहले लील था ये डहले निकल जते भूलक जते। जल हमन ग्रहण कथन आज सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण है कथन नहीं वो ग्रहण वही हरे राहु हा सूर्यला और चंद्रमाला निगल थे। पर सजनों यही बात ला रावण आज कहा थे कि दिक्पाल मन के जो शरीर में बल है वाला ग्रसे बर मोर जो भुजा है तन चंद्रमा के समान है माने अपन मुंह से अपने बड़ाई करत। अब अपन मुंह से अपन बड़ाई करने वाले लोग ज्ञानी नहीं कहे जाए पंडित नहीं कहे जाए। ज्ञानी तो वो हरे जिन अपन में कमजोरी देखते अभाव देखते है ना। अपन मुंह से प्रशंसा नहीं करे वो हा हीरा नहीं कहा कि मोर अतकम मोल है कह के हीरा के मोल ल दुनिया वाले मन जान रहे थे। सोना चांदी नहीं कहा कि मोर अतका कीमत है कह के ओकर कीमत ल संसार वाले मन जान रहे थे। वैसने संत है सज्जन है अपन आप ल कीमती नहीं बताए अपन आप ल तो केवल भगवान के दास ही समझते भगवान के भक्त ही समझते। पर रावण के जीवन की दुर्बलता यही है कि अपन आप ल भगवान से कम नहीं समझे है वो अपन आप ला भगवान से कम नहीं समझे। मैं ही भगवान हूँ मोर नाम जपो मोर पूजा करो यही आदेश है लंका में। तो सजनो भगवान केवल एक है दो ही दो नहीं हो सके। अहंकार के कारण अभिमान के कारण मोह के कारण रावण है तो नाज भटक गए है गलत दिशा धर ले। और स्थिति कहे गए है कि ककरो नहीं ठिकाना जगत में सब हम भटक गए ने संसार में आकर के। तन के अभिमान धन के अभिमान पुत्र परिवार के अभिमान ज्ञान के अभिमान अभी अभिमान ही मनुष्य लगिरा देते भगवान से दूर कर देते। ओकरे स्थिति कहे गए दुनिया एक सराया जहाँ दो दिन के ठिकाना है खाली करके पर के घर ल सब ला यहाँ ले जाना है। 5-25 हजार सब के लगे हस लेखा जोखा में बारक भाव चले जाबे झन परे र धोखा में। अभी पीले अमृत पाछू नोहर हो जाही पानी अभी बनो की बना ले झन कर आंजत आंजत कानी। अरे नहीं चले तोर दादागिरी नहीं चले तोर गुंडागर्दी तोर चाल नहीं चले यहाँ चल ही मालिक के मर्जी। कहीं तो नहीं लाने अस कछु साथ नहीं जाही राम नाम के सिवा तोर कहीं हाथ नहीं जाही। राम नाम के टिकट दिखावे चपरासी ल द्वार में तब तोला भीतर जावन देही मालिक के दरबार में। बिना टिकट दिखाए तोला द्वार पाल हकाल दही और धक्का मार मार के बाहिर तोला निकाल दही बाहिर तोला निकाल दही। बोल राज रामचंद्र की जय। तय भजन कर ले संगी भजन कर ले जी तय भजन कर ले संगी भजन कर ले जी। तुल बांध के ले जागी नचावत छोरे छोर मोर भैया भजन कर ले जी। तुल बांध के ले जागी नचावत छोरे छोर मोर भैया भजन कर ले जी। तय भजन कर ले संगी भजन कर ले जी तय भजन कर ले मनवा भजन कर ले जी। तोरे अंधियारी कुरियाला कर ले जोर मोर भैया भजन कर ले जी। तोरे अंधियारी कुरियाला कर ले जोर मोर भैया भजन कर ले जी।
तय जतन कर ले मनवा जतन कर ले जी तय जतन कर ले मनवा जतन कर ले जी तोर हीरा लता कटवावे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना तोर हीरा लता कटवावे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना डरते अगिला कोनो नहीं गा बुझैया दुनिया है भैया अपन तेरे देखैया दुनिया है भैया अपन तेरे देखैया डरते अगिला कोनो नहीं गा बुझैया डरते अगिला कोनो नहीं गा बुझैया दुनिया है भैया अपन तेरे देखैया दुनिया में भैया अपन तेरे देखैया तय धर्म कर ले मनवा धर्म कर ले जी तय धर्म कर ले मनवा धर्म कर ले जी तोर हीरा लता कटवावे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना तोर हीरा लता कटवावे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना बड़ मुश्किल मानस तन ला पाए दुनिया माया के दुनियादारी ना भुलाए दुनिया माया के दुनियादारी ना भुलाए तय जतन कर ले मनवा जतन कर ले जी तय जतन कर ले मनवा जतन कर ले जी तोर हीरा लता कटवावे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना तोर हीरा लता कटवावे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना ए दीवाना भजन कर लेना हार भैया भजन कर लेना ए जवैया भजन कर लेना ए दीवाना भजन कर लेना लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि।